वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक हुआ। देश विदेश से आए लाखों भक्तों ने भव्य दर्शन किए। वृंदावन में मथुरा से ठीक एक दिन बाद ही जन्माष्टमी का उत्सव मनाए जाने की परंपरा है। मान्यता है कि बाल स्वरूप में ठाकुर जी रात के समय निधिवन में रासलीला रचाते हैं। केवल जन्माष्टमी के दिन ही प्रभु रात के समय अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। SSP ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए, जैसा मैंने बताया, लिमिटेड एक्सेस का प्रोविजन रखा गया। इस बार ही नहीं, पिछली बार भी ये व्यवस्था थी। 2022 में अत्यधिक भीड़ के दबाव के कारण यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, आप सभी इससे अवगत हैं। और इस बार और पिछली बार भी और इस बार भी लिमिटेड एक्सेस रखा गया है, क्योंकि मंदिर की एक सीमित कैपेसिटी है और मंगला आरती एक बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए होती है। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सभी के लिए दर्शन नगर ओपन फॉर ऑल कर दिया जाए, तो किसी भी तरह से स्टैम्पेड को नहीं रोका जा सकता है। आनंद ही आनंद है, भगवान के धाम में आना एक बहुत बड़ी कृपा है। हमारे ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा की कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और इस मंदिर की तो बहुत ही महात्मा है। इस मंदिर में शिला है, चार परिक्रमा करते हैं, इतना आनंद आया। और अब तो इन्होंने हल्दी से स्नान करवाया, भेटा दी है, सबको बधाई हमारी तरफ से, बधाई बधाई नंद बाबा की बधाई। बड़ा ही आनंद का माहौल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नंदोत्सव होता है हमारे यहाँ, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। ये हमारे यहाँ साल का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे महापर्व कहते हैं इसे हमारे यहाँ पे मथुरा में। इवन मतलब पूरे ब्रजमंडल में बड़ा ही खुशी का माहौल है। अनेक प्रकार की तैयारियां की जाती हैं।